आइए सब बच्चे, यहां से हम स्टार्ट करते हैं बेटे। हमारे पास है हेल्स थ्योरम। सब थोड़ा सा जाग जाइए। अब आप देखिए, ओनली सिंगल थ्योरम, सिंगल कह लीजिए या डबल कह लीजिए, दो थ्योरम है, इसका कन्वर्स कह लीजिए, बट है एक ही, उसका रिवर्स ही कहना है। तो सिर्फ ये दो थ्योरम है और कंप्लीट एक्सरसाइज। तो बाकी जैसा एक्सरसाइज हम फॉर्मूले कैलकुलेशंस करते थे, मैं यहाँ ऐसा कुछ नहीं। तो थेल्स एक मैथमेटिशियन हुए हैं, उन्होंने एक थ्योरम दी थी अबाउट ए ट्राइंगल, कि भाई हमारे पास ट्राइंगल में अगर हम बात करें, तो इन्होंने कहा इन्हें ट्राइंगल हर एक वर्ड की एक मीनिंग है, प्लीज उसको समझते जाइएगा। तो सिर्फ इतनी ही बात करें इन्हें ट्राइंगल। पहली चीज, इफ ए लाइन drawn parallel to one side, ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई कंडीशन इन ए ट्राइंगल, इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, तो दैट इज द कंडीशन कि ट्राइंगल के अंदर ये होना चाहिए। तो अगर ये होगा तो ये क्या करेगा, तो ये क्या करेगा, इट डिवाइड्स अदर टू साइड्स Equally. ठीक है सर। अब ये अदर टू साइड्स क्यों आए हैं, बिकॉज आपने क्या कहा, इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, तो एक साइड तो आप ऑलरेडी यूज कर चुके जिसके वो पैरेलल लाइन आपने ड्रॉ करी है, तो रिमेनिंग देयर आर टू साइड्स, तो इट डिवाइड्स अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो, इन द सेम रेशियो, या आप कह सकते हैं इन प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का मतलब भी सेम रेशियो होता है। तो दैट इज द थेल थ्योरम, दैट इज द बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, दैट इज द बीपीटी, सिंपल। ये हमारे पास, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, यहाँ एक कंडीशन भी है, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, अभी मैं आपको मेंशन करूंगा, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, दैट इज कॉल्ड बीपीटी। अब इसको जरा फिगर से समझते हैं, थोड़ा अच्छे से समझते हैं। हम आपसे क्या कह रहे हैं कि भाई हमारे पास क्या है, सब बच्चे थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, ये मेरे पास ट्राइंगल ए बी सी है, तो पहले इसी स्टेटमेंट को अच्छे से समझेंगे। तो जो मैंने आपसे पहली लाइन कही थी, इन ट्राइंगल, तो इन ट्राइंगल नाउ हियर इज एबीसी, आपसे क्या कह रहे हैं, इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, मे बी पॉसिबल कि आपने एक लाइन ली हो डीई और वो आपने पैरेलल ड्रॉ किया हो बीसी की, तो इन ट्राइंगल एबीसी इफ देयर इज ए कंडीशन DE parallel to BC. अब अगर ये लाइन आपने पैरेलल ड्रॉ करी है, तो मैंने अभी आपसे क्या कहा कि आप BC को तो यूज कर चुके, बिकॉज DE is parallel to BC. तो इन ट्राइंगल नाउ वी हैव टू साइड, वी हैव टू साइड्स AD, AB एंड AC. यस और नो? और ये जो DE है, और ये जो DE है वो ए बी को यहाँ कहीं कट कर रही है, कहाँ पे, डी पे, और ए सी को यहाँ कहीं कट कर रही है, कहाँ पे, ए ई पे, ई पे। तो दिस लाइन डी डिवाइड्स ए बी इन टू पार्ट्स, ए डी एंड डी बी, एंड डिवाइड्स ए सी इन टू पार्ट्स, ए ई एंड ई सी। तो हेल्स ने ये कहा कि ये रेशो सेम होता है, दिस रेशो इज सेम, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, दैट इज द सिंपल थ्योरम। इन ट्राइंगल इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, इट डिवाइड्स अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो।
अब एक चीज तो आप सब बच्चों को ध्यान रखना है बेटे, कि अगर आप रेशो ले रहे हैं तो हमारे पास हो क्या सकता है, हम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि हम ए से रेशो ले रहे हैं। तो अगर हम ऊपर से रेशो ले रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे, ए डी अपॉन डी बी, तो फिर ए से ही लेंगे, ए ई अपॉन ई सी। ये गलती नहीं करेंगे कि भाई हमने एक साइड तो कर दिया ए डी अपॉन डी बी और दूसरी साइड हमने सी से ले लिया, सी ई अपॉन ई ए। ध्यान से देख लीजिए, ऐसी गलती मत कर दीजिए। हाँ, ये हो सकता है कि आपने क्या किया, आपने नीचे से लिया रेशो ही स्टार्ट जो है वो आपने नीचे से किया। नीचे से क्या मतलब है कि आपने रेशो, सर लीनियर इक्वेशन खुल गए तो आपने रेशो नीचे से लिया बी से, तो आप ये कर सकते हो कि सर बी डी अपॉन डी ए। लेकिन जब आपने बी को लिया है तो बी के कोरस्पॉन्डिंग अब जो आएगा वो सी आएगा। अगर बी लिया है तो बी के कोरस्पॉन्डिंग कौन है, सी। तो फिर आपसे क्या लेना है, रेशो सी अपॉन ई ए। तो ये ध्यान रखना है कि भाई ऊपर से ले रहे हैं ए से तो ए डी अपॉन डी बी एंड ए अपॉन ई सी, और अगर नीचे से ले रहे हैं तो बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए एंड सी ई अपॉन ई ए। ऐसे हमें रेशो लिखना पड़ेगा। जरा ध्यान से देखो दोबारा से, मैं आपसे कह रहा हूं नहीं सर मेरे पास ये ट्रायंगल है, ए बी सी, और हमने क्या किया, हमने ये किया सर, हमने ए बी के पैरेलल लाइन ले ली। जरूरी नहीं है ना लाइन डी बी सी के ही पैरेलल हो, हमें तो सिर्फ ये दिया है कि इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड तो इट मे बी पैरेलल टू ए सर। बी, मे बी पैरेलल टू बी सी, मे बी पैरेलल टू ए सी, किसी के भी पैरेलल हो सकती है। तो अब हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास हो रहा है डी ई इज पैरेलल टू ए बी। अब अगेन आपने क्या किया, ए बी को तो आप यूज कर चुके हैं, किसके पैरेलल, डी ई के। तो नाउ वी हैव टू साइड बी सी एंड ए सी। तो अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, फिर आपसे कह रहा हूं कि अगर आप रेशो सी से स्टार्ट करते हैं, सी से, तो फिर सी से क्या करोगे, सी ई अपॉन ई ए। लेकिन सी से ही फिर कौन सा स्टार्ट होगा, सी डी अपॉन डी बी। बात समझ में आ रही है, यस सर। ये चीज ध्यान रखनी है बेटे, इसी से गलतियां यस सर। होंगी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि सर सी डी अपॉन डी बी विल बी इक्वल्स टू सी ई अपॉन ई ए। अदरवाइज अगर आपने सी से नहीं लिया है तो फिर आप जो साइड सामने ए बी उससे ले सकते हैं, लेकिन अगर आप ए बी से ले रहे हैं तो मैंने आपसे कहा अगर ए को लोगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग कौन आएगा, बी। तो आप कैसे करोगे, ए अपॉन ई सी अपॉन एंड बी डी अपॉन डी सी। डीसी। सब बच्चों को कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत। यस तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटे, ए ई अपॉन ई सी एंड बी डी अपॉन डी सी। तो पहली चीज तो ये है, ये थेल्स ने कहा। अब थेल्स ने क्या कहा, इसका कन्वर्स, जस्ट रिवर्स, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, जस्ट रिवर्स प्रोसेस। इसमें क्या है, ये स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं प्लीज, बिकॉज 20 क्वेश्चंस आपके यहाँ बेटे 1 मार्क्स के लिए आएंगे। तो मे बी पॉसिबल आपसे कह दे गिव स्टेटमेंट या राइट स्टेटमेंट ऑफ बीपीटी, राइट स्टेटमेंट ऑफ कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो ओनली स्टेटमेंट आपके पास 1 मार्क्स के लिए आ सकता है, और वैसे भी स्टेटमेंट आपको मालूम होना चाहिए। सर ऐसे क्वेश्चन पहले आए हैं? जी, जब तो कह रहे हैं आपसे, आए हैं, आते हैं, और अब तो 20 क्वेश्चंस हैं आपके यहाँ 1 मार्क्स के लिए, और 15 कुल चैप्टर हैं, तो हर चैप्टर से कम एक या दो क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। सर वो एमसीक्यू में नहीं आते? 10 MCQ होते हैं बेटे, 10 वन लाइनर होते हैं, ठीक है। 20 जो क्वेश्चन 1 मार्क्स के आते हैं बेटे, उसमें 10 MCQs होंगे आपके, और 10 जो होंगे वो
ट्रू फॉल्स भी कह सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में भी कह सकता है, वन लाइनर भी कह सकता है, जैसे मैं अब आपसे कह रहा हूँ फॉर्मूला कह सकता है, ये कह सकता है स्टेटमेंट। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी का स्टेटमेंट क्या है इन ए ट्राइंगल, प्लीज सब ध्यान से देख लीजिए। इफ ए लाइन डिवाइड्स टू साइड्स इन द सेम रेशियो, पहले हमने क्या कहा था कि लाइन पैरेलल है एंड दैट विल डिवाइड टू साइड इन द सेम रेशियो। नाउ हम क्या करें, नाउ नहीं, नाउ लाइन डिवाइडिंग टू साइड इन द सेम रेशियो, तो अगर सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है देन इट विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड, बिकॉज टू साइड को तो आप यूज कर चुके टू द थर्ड साइड। हम क्या कह रहे हैं कि भाई हमारे पास ये ट्राइंगल है, ये आपके पास ट्राइंगल है एबीसी एंड देयर इज ए लाइन, ध्यान से देख लीजिए डीई, एंड दिस डीई इज पैरेलल टू एसी। तो आपसे क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल ए बी सी रेशियो इज गिवन बी डी अपॉन डी ए, इज सेम एज बी अपॉन ई सी, बी अपॉन ई सी लाइन डी डिवाइडिंग टू साइड्स इन द सेम रेशियो। तो अगर आपके पास रेशियो सेम है देन डी ई is parallel to AC. Yep. तो आपके पास टू थियोरम्स हैं। इफ लाइन पैरेलल, मैं इसको शॉर्ट में कर देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ इतनी सी चीज पे होंगे, क्वेश्चन थियोरम पे ये नहीं कि थियोरम प्रूव करो, अभी मैं थियोरम ही प्रूव करूंगा बट क्वेश्चन में नहीं आएगा, तो क्वेश्चन में तो सिर्फ इतना ही आएगा, क्या आएगा प्लीज ध्यान से देख लीजिए कि इफ लाइन पैरेलल देन रेशियो सेम, एंड इसका उल्टा इफ रेशियो सेम देन लाइन पैरेलल। तो आपको ये चीज याद रखनी है इस पूरे एक्सरसाइज में, मैं आपसे कहूंगा लाइन पैरेलल है तो आप सपोज कर लेना, समझ लेना कि रेशियो सेम होगा, और मैं अगर आपसे कहूंगा रेशियो सेम गिवन है तो आप कह देंगे सर लाइन पैरेलल। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जी सर। इन ए ट्राइंगल इफ लाइन इज पैरेलल रेशियो विल बी सेम, इफ रेशियो इज सेम लाइन विल बी पैरेलल। गुड, आइए। तो अभी तक मैंने क्वेश्चन तो एक दो मरतबा समझाए हैं, शायद मैंने थ्योरम डिस्कस नहीं करी है, तो आज मैं पहले आपसे बीपीटी की थ्योरम ही डिस्कस कर रहा हूँ, देन हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।